हाय गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हैं तो उसे मेकअप से आप कैसे हाइड करें। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ शेयर करो, सो फाइनली टाइम निकाल के आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो ज़्यादा बातें ना करती हूँ, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़ किया स्टिक वर्की का प्राइमर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, आपके पोर्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर, और ए है स्टिक क्वर्की का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक। इसको लगा के मैंने छोड़ दिया। इसके बाद अगर आपको रेडनेस है, मतलब रेड आपके फेस पे रेडनेस है, तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करना है। ऑरेंज आपको यूज़ करना है जहाँ पर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, ग्रीन यूज़ करना है जहाँ पर आपको रेडनेस की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ऑरेंज ब्लेंड करना है एक क्लीन ब्रश की हेल्प से, इसके बाद आपको ग्रीन ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग का प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, दोनों शेड को एक में मिक्स नहीं कर देना है। सबसे पहले आप ऑरेंज ब्लेंड करें, इसके बाद ग्रीन। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारे शेड ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं ग्रीन शेड ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं यूज़ करूँ जहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया था, वहाँ पर कंसीलर, और ये भी है स्टेक वर्की का ही, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। शुगर ब्रांड का जो फाउंडेशन नहीं आता है स्टिक वाला, सेम वैसे ही वर्क करता है, लेकिन वो है 900 का और ये 400 का, तो मतलब हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा। प्लस आज पर्वत पे चल रही है मिस्ट्री सेल, तो अगर आप लोग जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके थ्रू जाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिस्ट्री सेल है तो अगर तो इसमें कुछ मतलब पता नहीं रहता है, किसी को बाय वन गेट वन का ऑफर मिल सकता है, किसी को 80% ऑफ का ऑफर मिल सकता है, किसी को मिल सकता है 50% ऑफ। तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा आपको ऑफर्स अलग अलग मिलेंगे। तो इसके बाद मैंने इन सबको ब्लेंड कर लिया। पाउडर मैंने यूज़ किया स्टिक वर्की का, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर बोल रही थी कि मैम प्लीज़ आप स्टिक वर्की के जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद है उन्हें यूज करके एक मेकअप लुक क्रिएट करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्टिक वर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर पिंक शेड ब्लश के लिए, और ये अच्छा वर्क करेगा जिनकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ज़रूर लीजिए, ड्राई स्किन वालों पर उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर के लिए, ये है स्टिक वर्की का इल्यूमिनेटर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें चंकी पार्टिकल्स हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले मेरे हाथ पे लगाया ताकि चंकी पार्टिकल्स ज़्यादा मेरे चीक पे ना आए। और रात टाइम का मेकअप है, पार्टी मेकअप है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर आईब्रो को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टिक वर्की का बैड एस काजल। सबसे पहले मैंने एक एंगुलर ब्रश में लगा लिया, इसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। ऐसे ही मैं मेरी दोनों आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर फिर से वही इल्यूमिनेटर शेड नंबर चेंज कर दी हूँ, यहाँ पर मैंने सिल्वर शेड लिया अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए, ताकि एक अच्छा सा लुक आए, मेरी आईब्रोज़ डिफाइन लगे काफ़ी अच्छी तरीके से। तो गाइज, ऑफ़र का फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी, स्टिक वर्की का न्यू लॉन्च आई शेडो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है। ये भी इंस्पायर्ड है शुगर का ही आई शेडो पैलेट, जो नहीं आता है क्वार्टर वाला, उसी से इंस्पायर्ड है मुझे लगता है। और इसमें ना कई सारे शेड, आई थिंक 4 शेड लॉन्च हुए हैं, तो इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन लगाया, इसके बाद जो इसमें लाइट शेड था उसे लगाया। अब मैं अपनी फिंगर की हेल्प से आईलिड पर यही शेड फिर से प्रेस कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। अब इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी वही इल्यूमिनेटर, ताकि काफ़ी प्यारा सा लुक आ जाए, मेरा आई लुक बॉम्ब लगे। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा बताइएगा, ज़रूर सिंपल लगा कि नहीं। अब मैं यहाँ पर यूज़ करी स्टिक वर्की का स्केच आईलाइनर, काफ़ी अच्छा स्केच आईलाइनर है। मैं काफ़ी सारी गलतियाँ कर रही हूँ, एक्चुअली क्या है ना, बार बार बाबू आके परेशान कर रहा है, तो इसलिए मिस्टेक्स हो जा रही है मुझसे। तो बस ऐसे ही मैं लगा ले रही हूँ, आप देख सकते हो स्केच आईलाइनर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यार, 425 रुपीज़ का है, बट आज तो सेल चल रही है, तो देख लीजिएगा, क्या पता आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिल जाए या फिर 50% ऑफ का मिल जाए। मिस्ट्री सेल है तो इसमें कुछ पता नहीं, कुछ फिक्स नहीं होता। अब मैं यहाँ पर यूज़ करी स्टिक वर्की बैडस लिक्विड लिपस्टिक। इसकी सारी चीज़ें जो हैं ठीक है, मुझे इसका दो चीज़ नहीं अच्छा लगता। एक तो इसका जो अप्लीकेटर है इतना बड़ा है, मैं तो यूज़ कर ले रही हूँ, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। और इसके बाद इसे लगाने के बाद ना आपका लिप काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने मेरे लिप पे ऑलरेडी लिप बाम लगाया हुआ है, तो अगर आप लिप बाम लगाओगे तो
उतना ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा, नहीं तो एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है आपके लिप को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ इस टेकओवर की एनवाई वे सुगर समझ में नॉट की लिक्विड लिपस्टिक आपके लिप के जो मॉइस्चर है ना उनको सोक कर लेती है। अब मैं यहाँ पर स्टिक वर्की का न्यू लॉन्च मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसे लगाने के बाद पता नहीं क्यों मेरे फेस में जलन सी होने लगी। एनवाईवे का सब लोग बोलते थे कि उससे जलन होती है, बट मुझे एनवाईवे से जलन नहीं हुई, मुझे स्टिक वर्की से हुई। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक आज के लिए, बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू।